अब कर रहे हैं मम्मी पे प्रैंक। प्रैंक ये है कि ओम फेल हो चुका है एक सब्जेक्ट में, फेल हो गया वो, बता लूंगा मैथ्स में 3 नंबर से। आप ना बहुत ज्यादा दिमाग चढ़ा रहे हैं। ग्राउंड के अंदर ही 2-3 तो रेप्टे मारो इसके कारण। अच्छा, तो रहेगा दोबारा 9th पड़ेगा तो। और माँ ऐसी है कि बेचारी रोने लग गई यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। जैसा कि आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा कि अब भी खड़ा हूं मैं ओम के स्कूल में। ओम का क्लास 9th का फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था जो कि हमने ले लिया। हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि भाई कहीं ओम फेल ना हो जाए, ओम के कम नंबर ना आए, कहीं ओम किसी एक सब्जेक्ट में ना फेल हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए। बट ये पास हो चुका है भाई, इसने फोड़ दिया है। एक रात पहले क्लास 9th में एक रात पहले पढ़ के इसने 65% ठोक दी है भाई। मैं तेरे को मान गया, तेरे लिए ये है भाई, चले उठ भाई। एक रात पहले पढ़ के वो भी एनुअल, इसमें पूरी किताब आती है, 17 चैप्टर आते हैं और SST के तो 21 चैप्टर थे। मतलब काफी अच्छे नंबर लाया है एज कम्पेयर टू तो भाई मतलब इसने हमारी नाक कटने से बचा लिया। और अब फिलहाल प्लान है कुछ खतरनाक। प्लान क्या है, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फिर बताते हैं। चलो अब अपना भी तो बताओ, आपको भी तो रिजल्ट आने वाला है, मेरा तो हो गया, अपना भी तो करो। मेरे से लिख के ले ले, तू फेल होगा है ना। हाँ, पक्का मैं फेल होगा पक्का, क्योंकि बेटा ओम का जो माइंड है ना, ओम का जो दिमाग है ना, उसको तो कंपेयर नहीं करता अपने आप, नहीं कर सकता। क्योंकि तू देना एक आधे तेरी कंपार्ड आएगी, पक्का आएगी, फेल नहीं होगा, कंपार्ड आएगी। तो लिख के ले ले मेरे से, लेकिन देखते हैं बाकी तेरी, तेरा भी अब आने वाला है। मम्मी को फोन कर रहा हूँ, एक मम्मी को बोलता हूँ फेल हो गई है। इम्प्रूवमेंट देख रहे हो, 65 आई है, 65 पिछले बार कितनी थी, 60 भाई। अब कर रहे हैं मम्मी पे प्रैंक। प्रैंक ये है कि ओम फेल हो चुका है एक सब्जेक्ट में, तो कंपार्ड देनी पड़ेगी। सो कंपार्ड देनी पड़ेगी, बेइज्जती हुई हमारी, ठीक है। कॉल लग नहीं रहा, आपने मम्मी एक लाइन दूंगे यार, वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। बंदे ने ठीक है एक रात पहले पढ़ाई करी, पास हो गया, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब कह रहा है कुछ खिला पिला तो कह रहा है। अबे खिला पिला मतलब पिछली बार हाफिली में भाई लोग 95% लाके ना कुछ खा नहीं पाते, और तू खिला पिला तो कह रहा है। पापा है ना भाई, मैं तो लालची लोग है। मैं तेरी ऐसी पार्टी करूंगा ना ओम, तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया 65% लाके बेटा। और मैथ्स में सेम यही पिछली बार बोला था, और मैथ्स में मात्र 6-7 नंबर से तू पास हो तो फेल हो जाता है, मेरा सीना चौड़ा हो गया बेटा। वेरी गुड भाई, मेरी क्लास 9th में 90% थी, तब मैंने गालियां खाई थी, और आज देखो भाई 65% में सीना चौड़ा हो गया पापा का। एक दिन पढ़ के 65% लाया का, 4 दिन पढ़ लेता तो 120% लाता बेटा, ये बता दूं तुझे। अरे अब वो तो पिलाओ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पिएगा भी है, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ भाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे इसको। लठ ला दूंगा, है लठ लगाओ पीछे डिक्की में निकाल। मम्मी का भी कॉल आया था भाई, रेडी, और मम्मी को करने जा रहे गाइस प्रैंक। कॉल लग गई, कॉल लग गई, कॉल लग गई। तुम कितनी देर, इतनी देर किससे बात कर रहे हो सैल? मैं कर रही थी, बताओ ना क्या कह रहे हो यार। कभी कभी इम्पोर्टेंट बातें होती है, कोई कोई हाँ, मैंने तभी तो कट कर दिया फोन, वरना भी तो मैं 5 मिनट और बात करती। बोलो। अच्छा जी, यहाँ दिमाग वैसे खराब हो रहा है, तुम वहाँ फोन में लगे, फेल हो गया वो, बता दूंगा मैथ्स में 3 नंबर से। वेरी गुड, वेरी गुड, इससे कहो कि अब इसका हिस्ट्री में नाम आएगा। 3 नंबर से फेल हो गया, और क्या कहते हैं इसका वो, अब प्रिंसिपल सर को मैंने रिक्वेस्ट करी अभी, वैसे अभी अभी अंदर ही है दोनों लोग, मैंने वो प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट करी है कि इसको एक री एग्जाम करवा दो करके, क्योंकि मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में इसने लास्ट टाइम भी एग्जाम नहीं दिया था, भूल गया था बस में जाना स्कूल, तो उसके मार्क्स भी पेंडिंग थे, और इस बार के मार्क्स भी इसके हो गए, तो बस वो कोलैप्स हो गया बस। नहीं नहीं, इसके इससे क्या ना, ये बहुत अपने आप को 30 मार्क का समझता है, और इसका ये सुनहरे कलम से लिखा जाएगा इसका नाम हिस्ट्री में, नहीं, इतिहास में। नहीं मैं तो अभी आ रहे तो बाहर में, तो अभी यही ग्राउंड के अंदर ही 2-3 तो रेप्टे मारूंगा इसके कान में, लिख के ले लो। आपने ना बहुत ज्यादा दिमाग चढ़ा रखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, पढ़ाई में फेल हो जाओ, आपने ऐसा भर रखा है बच्चों के दिमाग में। मैंने पढ़ाई में फेल हो जाओ बोला? मैंने बोला कि बेटा हेडक, मैंने बोला हेडक मत लिया करो पढ़ाई का, लेकिन पढ़ाई को करो बोला। आप कितने बार बोलते फेल हो जाओ, फेल हो जाओ, मतलब बच्चे, मतलब बच्चे फेल होंगे तो मुझे, बच्चे फेल होंगे तो मुझे खुशी होगी, मतलब मैं हंसूंगा। मैं खुशी उसी में कुछ नहीं जानती, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाई के लिए तो आप कभी बोलते ही नहीं हो। अगर मैं भी थोड़ा देख लो पढ़ नहीं रहा, ये नहीं करो, आप कहते रहने दे, ऐसा बोलते हो आप। मैं सीरियस नहीं होते, सीरियस नहीं होते आप पढ़ाई के लिए। सीरियस तो मैं खुद नहीं था पढ़ाई में, तो मैं इनको कैसे सीरियस कर दूंगा। वेरी गुड है, इसको तो मैं खाना भी नहीं दूंगी, खाना नहीं मिलेगा इसको, ठीक है, जब तक टेंथ में नहीं जाता। और उसके बाद अंदर से दांत दिखा के हंस रहा था वहां से, अंदर से बता दूंगा। नहीं नहीं, इसको खाना नहीं दूंगी जब तक ये पास नहीं हो जाता ना, तो खाना नहीं दूंगी। नहीं पास तो तब होगा जब री एग्जाम होगा ना। अच्छा, री एग्जाम भी नहीं होगा?
अभी वो तो रिक्वेस्ट किया है, एग्जाम अगर नहीं होगा तो नाइन्थ मंथ रहेगा दोबारा, नाइन्थ पढ़ेगा दोबारा, फिर यही तो है। एक साल तक तो बगैर खाने के टपक जाएगा। चलो अभी आएगा उसको समझा देना ढंग से उसको, लेकिन उसको ऐसा ही मत बोलना कि उसका मूड खराब है, उसका मूड खराब है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा ही मत बोलना। लेकिन तो नहीं ज्यादा यार, मेरी बात, अब मेरी बात सुनोगे, ज्यादा उसको मत बोलना कुछ, लेकिन उसको हो जा, पासिंग मार्क्स को लेके आ जा। और अपने आपको बहुत, और रात को एक एक दिन पढ़ के पेपर दे रहा है। ऐसा है उसको, ऐसा है उसको, सुनो सुनो आगे आगे लोग आ गए, घर आकर, घर आकर एक चाटा तो मारी देना। ओके भाई, ये देखो, ये पढ़ो, ये दिखाऊंगा मैं सबसे तो प्रोमोटेड ओ भाई साहब, खतरनाक गुस्सा भाई, मम्मी का खतरनाक गुस्सा। मैं कहता रहूंगा इसकी पापा से ज्यादा खतरनाक गुस्सा मम्मी का है भाई। यार पास होने के बाद भी चाटा मार देगी मम्मी मेरे को, पास होने पर भी चाटा खाना पड़ रहा है। बेटा तेरी जिंदगी में चैटे ही लिखे बस, तू कभी टकला हो जा, कभी कपड़े उतार दे, कभी बेफालतू कर दिया आपने, मैं हुआ थोड़ी, कभी बेफालतू के तू चटे खा ले, तेरी जिंदगी झंडे भाई, तेरी जिंदगी झंडे, फिर भी घमंड है देखो, फिर भी घमंड है इसको, ठीक है। तो भाई साहब पक्का मम्मी इसकी शक्ल देखती है इसको, इतने चाटे, मैं नहीं आऊंगा ऊपर, ठीक है। तुम मम्मी से तुम बात कर लेना, मैं नहीं आऊंगा, मेरे को जाना है अर्जेंट मीटिंग में, मैं निकल जाऊंगा भारी बात, ठीक है। अभी लेते हैं कोक, तीन कोक लेते हैं, ओम पास हो गए ना उनके लिए पार्टी करेंगे। आंटी तीन कोक कर दो आप, कांच वाली कोक या पेप्सी जो भी है, ड्यू होगी, ड्यू है हाँ। हाँ तो ड्यू कर दो आप, दो स्लाइस कर दो, दो स्लाइस एक ड्यू कर दो भाई साहब। 65% में पार्टी, चीयर्स भाई, ऐसे माँ बाप सबको मिले, चीयर्स। पक्का कोई ना कोई विधायक है भैया, ये देखो तीन नंबर से क्या प्रॉपर बात करके, नहीं बात करके आए हम, वो कह रहे हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 2 महीने सेशन लेट हो गया इसका। और देख लो अभी, हंसी देखो, हंसी देखो, ये देखो अभी भी, लेकिन कंफर्म नहीं है कि होगा नहीं होगा, वो कह रहे कि हम अप्लाई करेंगे तब जाके होगा तो होगा, वरना क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। अब देखो जा बेटे जा, मिल ले मम्मी से जा, ये देखो जा, एक्सेल देखो, वो देखो, हंसी देखो, हंसी ये लो देखो, हंसी देखो, हंसी देखो इसकी मुंह बदतमीजी, हंसी देखो, बेशरम शरम बेश खाई इसने, एक दिन पहले पड़ेगा इसका भी, यही होने वाला अभी, ये भी बता दूंगा तुमको, ये भी इसका भी, मेरे को ऐसे लग रहे हैं सितारे गर्दिश पर लग रहे हैं इसके भी, दिव्यांश पांडे के भी। आप और दिन तो बोला मत करो, रिजल्ट एक दिन बोला करो, ठीक है। और दिन जब मैं आपको बोलती हूँ कि इसको देख लो या ये कर लो वो करो, आप कर लेगा, कर लेगा, विश्वास है ना इनके ऊपर, विश्वास है ना, कि विश्वास का विश्वास तो होल्ड है ना, ये
पास हो गया 65%। मुझे तो रोना जैसा आने लग गया। मैंने कहा मैं तो हमेशा अच्छा स्कोर करा है, मेरे बच्चे ऐसे बुद्धू जैसे क्या हो गए। सुनो मैं तो हमेशा अपने फर्स्ट डिवीजन आई मेरी तो आंसू आ गए। देखो मेरे को तो आंसू आने लग गए थे। एक रात पहले बढ़ गए वैसा। टेंथ फर्स्ट क्लास, 12th फर्स्ट क्लास, बीकॉम फर्स्ट क्लास, एमकॉम में भी शादी होगी थी सेकंड डिवीजन बेटा। और आप लास्ट क्लास, थर्ड क्लास, थर्ड क्लास। तो क्या हमारा नेता कैसा हो? मुझे तेरे को पता है पापा ने फोन करके मुझे बोला मुझसे क्या बोले, तेरा बेटा 3 नंबर से मैथ्स में फेल हो गया। मैंने कहा बेटा तो हम घर के अंदर एंट्री है नहीं। मैंने कहा मैं तो एंट्री दूंगी नहीं उसको। मैंने कहा हद है। मैंने कहा इससे हमने कौन सा कहा कि इतने परसेंट ला उतने परसेंट ला, एटलीस्ट पास तो हो जाता। मैंने पापा को यही बोला। और माँ ऐसी है कि बेचारी रोने लग गई यार। है मम्मा? हाँ, मेरे को तो रोना ही आ गया था। मैं तो ऑफ कैमरे में रोने ही लग जाती। ये लिया रिजल्ट देखो। हाँ, तूने तो खंबे गाड़ रखे हैं। हल्द्वानी का टॉपर है तू तो। एक दिन दिखाऊंगा प्रोमोटेड। क्या है मतलब 65% लाके इतनी चौड़ में आ रहा है कि क्या कि इसने मतलब इसके सामने 95% बहुत छोटा महसूस कर रही है भाई। अरे भाई वो इसलिए ना भाई, क्योंकि मेरे को बताना भाई एक रात पहले बढ़ के पैसे डालना बहुत बड़ी बात होती है। एक रात पहले बढ़ के 40 शादी लोग 50 शादी है। मैं पैसे लेके आया हूँ भाई 65। और अगर पूरे साल पढ़ लेता तो कितने आती? पूरे साल पढ़ लेता तो 100 पार हो जाता है। आपको सच में ऐसा लग रहा था क्या फेल हो गया? सच में लग रहा था क्या आपको ऐसा? मुझे तो ऐसा लगने ही लग गया था। फिर इस बार तो खतरनाक वाला प्रैंक कर दिया हमने। और बस हम पास हो चुका है, अब देखते हैं 10th क्लास में आ गया, अब देखते क्या करता है। तो होप फॉर द बेस्ट। बाकी तो अभी करते ब्लॉग को एंड। टिल देन गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह तैयार रहना, तब तक के लिए बाय बाय। मारण की बात करे, एक रात पहले पढ़ा तब भी पास हो गए।